आप देख रहे हैं बीआरजी टीवी जनता की आवाज। मैं आज उपस्थित हूँ फारा पंचायत में, और इस पंचायत में ये वार्ड नंबर 1 में मैं अभी उपस्थित हूँ। और यहाँ पे देखिए ये गली है जिसका आरोप है कि इस गली का जो पैसा है वो निष्कासित हो गया है और गनील नली इसमें अभी तक नहीं बना है। आप देख सकते हैं कि इस गली का क्या स्थिति है। तो चलिए, बहुत लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह है वो बताएंगे। सर, अपना नाम आप? मेरा नाम है नईम खलीफा। जी जी, आप बताएंगे कि इस गली आपको पास हो चुका है, इसके बारे में आपको पता है? कुछ नहीं पता है सर, मैं तो जाहिल है। अच्छा अच्छा, मैं तो आज तक कितना हुआ विधायक से लेकर मंत्री तक सब कोई हुआ, कभी कोई चीज नहीं हम लोग का बना, कभी नहीं बना। अच्छा अच्छा, नल जल आपके यहाँ चलता है? नहीं सर, नहीं चलता। चलिए, आपको पेंशन मिलता है आपको? हाँ, पेंशन हमको मिलता है। पेंशन मिलता है, चलिए अच्छी बात है। नल जल आपके यहाँ नहीं चल रहा है? कुछ नहीं। और कोई सरकार से लाभ? कुछ नहीं। चलिए, इनका कहना है कि तो सर हमको 1.5 कट्ठा जमीन है, वही मकान समझिए तक खेती का पेंशन नहीं मिलता है। थोड़ी ठीक कीजिए, बताएंगे। बताइए अपना नाम, क्या नाम हुआ आपको? नाजिम खातून। अच्छा, पेंशन नहीं मिलता है? कितना वर्ष हो गया आपको? कितना, 60 वर्ष से ऊपर हो गया? देखिए, इनका 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है, अभी तक इनको पेंशन नहीं मिलता है। बहुत दुख की बात है, ये बिल्कुल बेजुर्ग आदमी है, इनको पेंशन हकीकत मिलना चाहिए, लेकिन आज है। और विधवा भी हैं, इनका कोई सहारा न है। उसके बाद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा इनको पेंशन नहीं किया गया है। और इन्हीं का लड़का खुद वार्ड है, तो खुद आप समझ सकते हैं कि वार्ड होते हुए भी उनको अपनी माँ को सेवा नहीं कर पा रहे हैं और इनका पेंशन नहीं मिलता है। चलो, बहुत अवसर लोग हैं, मैं उनसे जानते हैं। 3-4 गो कॉलोनी हो जाएगा, अथी हो जाएगा, और जरा मरे तो होबो न किया। चलिए ना सर, आइए, इधर आइए। चलिए, और लोग हैं, बताइए अपना नाम। बताइए आप? साफो खातून। साफो खातून, आप बताएंगे आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि काबल ही कारण नहीं था, न पैसा देना न लेना कोई के नहीं है। आपको पेंशन मिलता है? ना, नहीं मिलता है। कितना उम्र हुआ है आपको? ये 55 वर्ष हो गए हैं। 55 वर्ष हो गया है, और आधार कार्ड पे 55 हुआ है जी। चलिए, तो आपको अभी कुछ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 60 से ऊपर होगा तभी आपको पेंशन मिलेगा। हाँ, न आधार कार्ड पे अगर 60 आपको हो गया होगा तो पेंशन मिलना चाहिए। इंदिरा आवास सब कुछ होना है जी, झोपड़ी में ऐसी। इंदिरा आवास नहीं मिला है ना? तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे आप बात किए? सब से, वो कहते कि हमारा जेल भेजल हवा। अच्छा, तो मुखिया जी कहलन। चलिए, आपको इंदिरा आवास नहीं मिलता है? नल जल है आपके यहाँ? ना, नल जल के ऊपर जमीन जी दे देन तैयो को बोले नल। आप जमीन दी है नल जल का? हाँ। उसमें बैठा हुआ है जी, और आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा? ना। चलिए, बाबू तो जाने है। और बहुत लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। बताइए अपना नाम। बताइए आप? मेरा नाम मोहम्मद नबी आलम है जी। आप बताएंगे इस गली के बारे में, आपका ये जो गली है इसका क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है, वो बताएंगे आप? एकदम सर खत्म है, तो हम लोग आज कम से कम 300 बरस से भोग रहे हैं सर। बरसात में हम लोग को माए बहन के निकलना मुश्किल हो जाता है। एगो बर्तन सर जो है कि बर्बाद हो जा रहा है, नली में गिर जा रहा है, पिछुल करके गिर जा रहे हैं, और कोई भी होश नहीं है सर। यानी 30 वर्ष से आप लोग इस पंचायत से लोगों को प्रतिनिधि बना रहे हैं जी, मगर लेकिन नहीं आता, कोई भी आज तक सेवा नहीं किया आप लोग को। चनारी चौधरी बनाए तो वही बात, सुनरदेव मुखिया बनाए वही बात, प्रमोद मुखिया बनाए वही बात। कोई भी सर हम लोग को कहता है कि तुम लोग वोट नहीं देता है, वोट नहीं देता ना, सब जो है के जौन तौन के समिली में लेकर के वही लोग के काम करता है सर। हम लोग एकदम भोगिया भोगाए हुए हैं, आने जाने का रास्ता भी नहीं है सर हम लोग के। चलिए, बताएंगे क्या हुआ, आपका नाम क्या हुआ? मदीना खातून। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? हम तो दोनों पैर से लाचार हैं बाबू। अच्छा,
सरकार से आपको क्या लाभ मिलता है? खाली वही 400 महीना में मिलता है। दस बार मिला है बस। दस बार मिला, उसके बाद नहीं मिला? ना, अभी हमें 60-70-80 हमें जा रहा है उम्र 80। तो फिलहाल अभी नहीं मिल रहा आपको? हाँ, 400 मिलता है, 400 पेंशन मिलता है। झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ये आपका जो गली है ये कितने साल से, कब से पड़ा हुआ है? जब हम आए हैं सहाय पैसे नहीं आता है इस गली में। बोलिए सर, इस गली में पैसे नहीं पास होता है, नहीं गली बनेगा कभी। ओ, कौन बताते हैं? मुखिया कहता है गली पास नहीं हुआ है अभी तक। तो अभी तक पास नहीं हुआ? हाँ, अभी तक पास नहीं हुआ है। अच्छा, वार्ड भी यही कहता है सर। आप लोग यहाँ पे कितने वर्ष से रह रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत वर्ष सर रहते हुए 65 साल। 65 साल से रह रहे हैं? जी हाँ सर, 65 साल से गली का ही स्थिति है। स्थिति ऐसी है, इससे बुरा हो जाता है इनमें कादो कादो। अच्छा अच्छा, बरसात में? जी हाँ। चलिए, यानी 65 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कब हमारा गली बनेगा। इसी में तो आप लोग हर 5 साल पे किसी न किसी को प्रतिनिधि बनाते होंगे वोट देकर। कैसे लोग को चुनते हैं जो आपका गली नहीं बना पा रहे? सुना जा सर, 10,000 रुपया उन लोग आए वाला था तो लगाया था, और जो हुआ से सब भाग गया लड़का के लिए। अच्छा, सब अगुआ आया था सर, हुआ से भाग गया, स्कूल से भाग गया। अच्छा, रास्ता देके भाग गए? हाँ, रास्ता देखे। रास्ता नहीं है? नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हमको तो गरीब का चला गया ना इतना। और बड़ा आदमी था, और कहा कि खूब बढ़िया से इंतजाम करना, सब गोद से मंगाया, 4 रकम का मिठाई, बहुत देखने वाला आदमी। कहे बाप रे बाप, 70 आदमी आया था सर, 70 आदमी आए थे, सब खाके भाग गए। तो वो रास्ता देखकर भाग गए? लोअर स्कूल खा लिया। अच्छा, बताओ लोअर स्कूल जो है सर, वो जो पहले पक्कीकरण नहीं था, कच्ची था सर। तो कच्ची था तो आदमी ने कहा कि गाड़ी रोक दीजिए और चला जाइए, बाकी हाँ इस सर नहीं हो सका। तो हमने क्या करे सर, हमारे पास बाप दादा का चीज नहीं था सर। टेम्पू भी आ जाएगा, जब हम आपको लोग का कोई आधार नहीं है, बाढ़ जब स्थिति आती है तो हम लोग डूब के भी मर सकते हैं, कहीं निकास नहीं है। लेकिन कोई आप लोग को छानने वाला भी नहीं? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बताइए आपको क्या नाम है? अच्छा अच्छा, क्या है आपको, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का प्रॉब्लम यही सब है। तो ये सब आप लोग को क्यों नहीं बन रहा है? किसी को तो आप लोग वोट देके प्रतिनिधि बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। अभी सर कहे, अभी बोले कि हमारा वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, इन्हीं के लड़का 5 बरस वार्ड है एक नंबर में। अच्छा, जो भी आता है, क्या आता है और क्या कर देते हैं, सर तो ऊपर परवरदिगार जानेगा, उसके अलावा कुछ नहीं हम जानते हैं सर। अच्छा अच्छा, आप ही के बगल का ही है वार्ड सदस्य? हाजी हाँ, बगल का बातचीत चल रहा है। उन्होंने भी आपको गली का काम नहीं किया? पहले कहीं नहीं हुआ, फंड पास नहीं हो रहा है गली का, नहीं पैसे नहीं मिलता है गली। तो एकदम मुखिया रही तो क्या करेगा, उसको हटाइए। तो अभी चुनाव आ गया है, इस चुनाव में आप लोग क्या करना चाहते हैं बताइए आप? जो बढ़िया रहेगा उसको चुनाव है, जिसके हम लोग मत है अपना, हम कह दिया कि जीत जाओ बेटा। तो कैसे को बनाना चाहेंगे जो आप लोग को 65 साल आपका एज हो गया, अब 65 साल में अभी तक आप जितने भी प्रतिनिधि बनाए हैं आपका गली नहीं बनाए हैं, तो अब कैसे लोग को चुनना चाहेंगे जो आपका गली बना सके? अब कैसे उनको, मैं तो मुहर नहीं मारा हुआ सर, मैं तो मुहर नहीं मार चुका है। SP DSP कमिश्नर IG सब बना चुके, मैं कहाँ हुआ? जवाहरलाल हो गए, नेहरू जी हो गए, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सब तो हुआ सर। वो लोग नहीं बनाने आएंगे, आपका जो घर का प्रतिनिधि होंगे वही बनाएंगे। तो वही सब आते तो कहते हैं कि बन जाएगा चाचा, अब बन को जो जाके मोटैया से आ रही सब करके हो गया तो कहाँ आएगा? उसके बाद भी, उसके बाद भी तो आप किसी को वोट दे के यहाँ से बनाएंगे ना प्रतिनिधि अभी? हाँ बनेगा ना। हाँ, तो कैसे लोग को बनाना चाहते हैं? बढ़िया आदमी को बनाना चाहते हैं। चलिए, बढ़िया आदमी को, बढ़िया आदमी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए अपना नाम। जो हमको गुलशन खातून नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, अभी तक नहीं बना है और इसीलिए बाल बच्चा का शादी नहीं होता है, अब वो भाग जाता है। अच्छा, मतलब रास्ता देख के लोग आते हैं, भाग जाता है, कहते कि रास्ता सही नहीं है, यहाँ बेटी की शादी करने लायक नहीं है, हम विधवा हैं। अच्छा, पेंशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। अच्छा हाँ मिलता है। अच्छी बात, और कोई सरकारी लाभ?
और सरकारी लाभ कुछ भी नहीं। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है। चलिए अच्छी बात है। आपको क्या नाम हुआ? अख्तरी खातून जी। आपको इस गली के बारे में क्या कहना है? कितने दिन से ऐसे पड़ा हुआ? बहुत दिन से पड़ा। 65 बरस से बोल रहे हैं ना। अच्छा, वही उतना दिन से कुछ नहीं किए हैं। तो हर 5 साल के बाद आता है आप लोग को मौका कि नए प्रतिनिधि को चुने और आप लोग बनाते हैं। तो हर साल 5 साल के बाद बनाते हैं, तो बनाने के बाद वो प्रतिनिधि क्या कहता है? कोई कुछ नहीं कर रहा है। फंड नहीं आ रहा है? फंड नहीं आ रहा है गली का, ऐसे कहता है सर। बना देंगे उसका, फिर क्या फंड नहीं आ रहा है? बनने के बाद कहता है कि एक नंबर वार्ड फंड चाहते हैं। अच्छा आदमी हम लोग के काम कर रहे हैं। कभी नहीं सर कहता है फंड अभी नहीं किया है। हम लोग मुखिया हमको बोले सुना की आपको बच्ची की शादी है, हम विधवा है, तो हम गए थे शादी में कि पैसा मांगे, तो कही ना कि आपको हम बेटी की शादी देंगे, तो बोली ना कि नहीं नहीं हमको देंगे, शादी करिएगा ना तो देंगे। एको रुपया नहीं दिया, काहे नहीं दिया? तो गाँव के ना देगा कि दूसरा कोई देगा बाबू? हमारा तो राशन कार्ड भी इनको ना है। राशन कार्ड भी राशन नहीं आया, कोई चीज ना है, कोई चीज की सुविधा नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलता है ना। पूछे राशन मिलता है ना, के देता है? पूछे तो अभी फिलहाल जो है आपका जो राशन है वो अभी तक नहीं मिलता आपको? ना, पहले मिला है 8 साल पहले कट गए। अच्छा, 8 साल के बाद कट गया? हाँ, नहीं 8 साल हो गए। तो 8 साल से नहीं मिल रहा? नहीं, नहीं। तो डीलर के पास आप जाते हैं तो क्या बोलता है वो? सबके ऊपर ही से कट गया है, तो आपको नाम ही नहीं है? हाँ। चलिए, इनका कहना है कि इनको 8 साल पहले मिलता था राशन, और 8 साल के बाद फिलहाल इनको राशन नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं कमी है इसमें, क्योंकि तो सारे लोग हैं बेरोजगार हैं, इनको मिलना चाहिए। बताएंगे आप अपना नाम? बताएंगे? हाँ, फुलवंती देवी। मेरा नाम फुलवंती देवी है। अच्छा, हमको सर इतना कुछ कहते हैं बनाने के लिए राशन कार्ड या लाइटिन के पैसा, तो बोलता है मुखिया साहब कि तुमको क्या करेगी तुम पैसा, तुमको कौन खाने वाला है? तो हम बिना बाल बच्चा के है। अच्छा, राशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं हमको मिलता है। एक बार बोले हम कि यदि काहे नहीं बनाए, ताकि तुम्हारा तुम लोग नली का फंड आया है कि हम बनाएंगे नली या गली बनाएंगे, तुम लोग का फंड नहीं आया। यहाँ का मुखिया के दोबारा कहा? मुखिया, हाँ मुखिया से हमसे लड़ाई हुआ सामने। बताएंगे, बोलिए क्या दिक्कत है आप लोग को? हम लोग कुछ नहीं बना रहा है प्रमोद मुखिया, हम लोग का चाहिए बसंत चाहिए, हम पैसा चीज बनना चाहिए। क्या वो आप लोग के लिए बना पाएंगे? हाँ, जितने तो बना पाएंगे, और निमन मुखिया है, बना देंगे हम लोग। गरीब का मुखिया सहायता देने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो राशन आप लोगों को जो है वो डीलर के द्वारा समय पे दिया जाता है नहीं दिया जाता है? राशन कार्ड बनवे की हम लोग बनाईबा नहीं करता है, बोलता तू लोग क्या करेगा। अच्छा, हाँ ये कौन बोलते हैं? डीलर बोलते हैं? डीलर भी बोलता है, मुखिया भी बोला है। अच्छा, मुखिया का भी बोले तो बोला है कि नहीं आप लोग क्या करिएगा, हम कहे कि हम लोग के खाने वाला कोई नहीं है ना, कोई नहीं। अच्छा, वो मतलब दोनों लोग बोलते हैं? हाँ, वार्ड भी वही बात बोलता है। वार्ड क्या बोलते हैं? वार्ड भी बोलता है कि हम क्या करेंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम आप लोग का जिम्मा लिया है। अच्छा अच्छा, लेकिन वार्ड लिंक नहीं करता है बात को। आज तक ना देखो कि इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, पैसा भी ले लिया है इंदिरा आवास के लोग, पर भी नहीं दे रहा है। के पैसा लिया इंदिरा आवास का? वहाँ दिवाया सब, वहाँ सब पूरा के आप पैसा दिए हैं? हाँ, पैसा दिए हैं। कितना पैसा दिए? पैसा हम 500 रुपया दिए हैं, 1000 मांग रहा था तो 500 दिए हैं। पैसा 500 रुपया आप? हाँ। किसको दिए थे? वहाँ आया थी रामस को से पूरा के। अच्छा, तो इस गांव के रहने वाले हैं? नहीं, से पूरा में वो है। क्या है वो? यही पंचायत के है। तो मतलब क्या कुछ करते हैं? ग्राम सेवक है। ग्राम सेवक है। उनको पैसा दिए थे क्या के लिए? कॉलोनी के लिए आप लोग? नहीं, ये बाथरूम के, बाथरूम बनाने के लिए। हाँ। तो बना नहीं, हम अपना पैसा से बना लिए मगर। अच्छा, बाथरूम बना लिए हैं। हाँ। पैसा निकासी के लिए पैसा दिए थे 500? हाँ। पैसा तो पैसा नहीं मिला 12,000? नहीं नहीं दिया, पैसा नहीं मिला। तो फिर उनसे बात की आप लोग? हमको भेटाए, एक बार भेटाए थे तो गए थे राशन कार्ड वाला कागज जमा हो रहा था तो भेटाए, तो बोले कि चुपचाप रहिए ना, हम डाल देंगे डाल देंगे, आ तो लोग फिर डालते रह गए। मतलब बोले लेकिन पैसा अभी तक नहीं? नहीं। अच्छा, और कुछ कहना है? बोलिए, आप किन्हीं का कोई आपत्ति है?
ये गली आपका बन चुका है और इसके नाम पे पैसा निकासी थे, पता है आपको? मिल रहा था सर, यूं का बंद हो गया। क्या राशन मिलता था आपको? क्या नाम हुआ? ओ, तो राशन अभी नहीं मिलता है? ना। कब बंद हुआ था? जब से मुखिया, जब से प्रमोद मुखिया खड़ा हुआ, यानी 5 साल से बंद हो गया। तो 5 साल से डीलर के पास गए तो फिर क्या बोलता है? बोले कि हैया ना तो नहीं के राशन ना था, नाम में नहीं है। तो राशन में नाम नहीं है? फिर आप लोग आओ ऊपर कम्प्लेन कहीं की ना? तब हम और जत कहाँ कम्प्लेन कर। अच्छा अच्छा, यानी वहाँ के जो अब डीलर हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपको नाम नहीं है उसमें? ना, नामे ना है। चलिए, आप समझ सकते हैं सारे लोग हैं यहाँ पे, इस वार्ड नंबर 1 का लोग हैं, और इन लोग का बहुत सारा पति है, न इन लोग को राशन मिलता है और न ही यहाँ पे कोई नल जल है। और ये जो गली है, देखिए ये जो गली है, ये लगभग यहाँ पे के लोग बोल रहे हैं कि 60 साल हम लोग का एज हो गया, अभी तक ये गली का स्थिति यही है और अभी तक नहीं बना है। लेकिन इनके इस गली के नाम पे जो पैसा है वो निष्कासित हो गया है, और लगभग यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा इस वार्ड में लगभग 40 लाख रुपया का गमन हुआ है। तो इससे समझ सकते हैं कि लोगों को क्या भलाई होगा, क्योंकि 40 लाख रुपया खुद को प्रतिनिधि आज खा जा रहा है, तो गरीब को सेवा कैसे कर पाएगा? और ये सारे लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, इन लोग को आज आने जाने का रास्ता नहीं है। इन लोग का आरोप है कि हमारे के यहाँ जब हित नेता भी आते हैं तो इस रास्ते के देखकर लौट जाते हैं, और शादी विवाह में भी इन लोग का वादा होता है कि आपके यहाँ रास्ता नहीं है। तो बहुत सारे समस्या है, इसको सरकार को समझना होगा कि आज के जनप्रतिनिधि लोग जो बन रहे हैं उनका सिर्फ वादा होता है कि मैं सारे जगह पे काम कर चुका हूँ, लेकिन उनका जो कार्य है वो खुद आप देखिए क्या है इस गली का स्थिति, क्योंकि 60 वर्ष से लोग बता रहे हैं कि गली ऐसा ही है और अभी तक बना नहीं है। लेकिन बनने के नाम पर ये गली का जो पैसा है वो निष्कासित हुआ है, ये लोगों को कहना है यहाँ पे। तो आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज़, मैं दिलीप कुमार।